लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे याद है मठ में जब हवन हुआ था तो देखिए ना ही मुझे कुछ याद है और ना ही मैं कुछ याद करना चाहता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तुम लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही रामपुर की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां के लोग राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो एक स्वागत समारोह करना चाहते हैं। जी देखो कनिका, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है और तुम चिंता मत करो, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तुम दीपू का ख्याल रखना, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर दो। लेकिन अभय कनिका, मैं जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ। राधिका जी, Oh,
इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं, खामोश सी है जमी हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है, नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में, ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवा। पहले तुम्हें एक वादा करूं। क्या? यही कि तुम हर सुबह मुझे ऐसे ही उठाओगी। कैसे? मुझे चूम के। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। परंतु रज्जन बाबू, माता राम जी को शंका हो गई तो बेटा जिंदगी भर लघु शंका दीर्घ शंका सब तुमको लेटे लेटे निपटाना पड़ेगा, क्योंकि खड़ा होने का लायक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हमरा बात ध्यान से सुन ले पंडित, तुम्हारा अभिनय ऐसा होना चाहिए कि वो फिल्म के हीरो का अभिनय भी तुम्हारे सामने फेल हो जाए, समझे? जी मालिक। रखो, काम होने के बाद इसे दुगना देंगे हम तुमको। बस माई से अब का माँ बाप की बर्थ के सिलसिले में मिलने आओगे तो हमारा काम निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, समझे? अब का खड़े हो, पूरा दक्षिणा भई लोगे का? जाओ यहां से। जी छोटे मालिक, हमारी खोपड़ी में
ये सब कुछ घुस नहीं रहा है। आखिर ये सब करके आपको कहाँ फायदा होगा? तुम्हारी खपड़िया में बात घुसने का जगह है कहीं? और ससुराई सब तुम्हारी खपड़िया में घुस गया तो तुम हमको मालिक काहे बुलाओगे बे? कहा है कि हम आदमी बहुत शरीफ हैं, ये सब करना हमको पसंद नहीं है, लेकिन आज माई के सामने वो अभय बाबू का असलियत लाने में हमको कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको वो दामाद बाबू कहती फिरती है ना, वो तो उसका दामाद है ही नहीं, वो अभय नहीं देव है, देवराज पुरोहित। और उसका ही खानदान से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये खानदान के वारिस हम हैं। समझी खपड़िया में बात या फिर से फिसल गई? नहीं मालिक, इस बार नहीं फिसला, बराबर घुस गया। आज के बाद उस ससुरा के सामने बात बात पर जी हजूरी करने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो तिवारी जी बोले, अरे हमें बंदूक चलानी आती तो चौकीदार थोड़े ना बनते, फौज में चले जाते। किसी को अभय और राधिका का कोई फोन आया? मैंने पूछा किसी को अभय और राधिका का फोन आया या नहीं? नहीं बेटा, फोन तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पति रात भर से बाहर है, वो भी किसी दूसरी औरत के साथ। और आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? फिक्र हो रही है मुझे अपने पति की। और इतनी सी बात समझने के लिए क्या आप लोगों को पूरी साइंस की किताब पढ़नी पड़ेगी? कनिका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो फिर कैसी बात है बताइए मुझे? हो सकता है वहां पे नेटवर्क ना मिल रहा हो, इसलिए तुमसे जब सवाल किया जाए तभी जवाब देना। तो बताइए मुझे, अब है मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम तो जानती हो रामपुर के लोगों ने उसके लिए सम्मान समारोह रखा है, अब वो उसी में व्यस्त होगा। अच्छा, तो राधिका उसने फोन क्यों नहीं किया? उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। राधिका को अपनी जिम्मेदारियों का बहुत एहसास है, लेकिन अब वो भी समारोह में व्यस्त होगी। वो कितनी व्यस्त होगी ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वैसे तो उसे अपने परिवार का, आप लोगों का बड़ा ख्याल रहता है, लेकिन आज आज उसे ख्याल नहीं आया कि आप लोगों को उसकी कितनी फिक्र हो रही होगी। हमें उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही है, क्योंकि वो अकेले थोड़ी ना गई है, वो तो अपने देव के साथ गई है। भाड़ में गया आपका देव, वो मेरे पति अभय, अभय। तुम लोग इसकी बात का बुरा मत मानो। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए ना, रुकिए, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या हुआ है आपको? क्यों मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई? देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं कनिका का पति हूँ। अब जब से मेरी जिंदगी में आई है आप यही बात कहती जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ आपके पति की तरह दिखता हूँ, और ये सच को जानते हुए भी मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता हूं राधिका जी? मैंने हमेशा आपसे दूर रहने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों जब भी आप मेरे सामने आ जाती हैं, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ना तो दूरी का एहसास होता है, तो नहीं दुनियादारी का।
मुझे आपके सिवा कोई दिखाई नहीं देता, नहीं अपनी पत्नी, नहीं अपना बच्चा और नहीं अपना परिवार। और इसी की वजह से मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया। भगवान मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आपसे कोई भूल नहीं हुई है, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको कोई पाप के होने का एहसास होता है? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ, और जिस दिन आपकी यादाश्त वापस लौट कर आएगी, आपको आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके समझने से क्या होगा राधिका जी, सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा? उन सारे सबूतों का क्या जो मेरी पहचान प्रमाणित करते हैं? इतने सारे लोगों का क्या होगा जो ये जानते हैं कि मैं अभय सिंह ठाकुर? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कनिका को क्या जवाब दूंगा, मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगा? आपके परिवार ने मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पता नहीं माता राम जी मुझे माफ करेंगी भी या नहीं। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक भी नहीं, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिएगा राधिका जी। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मेरे पति हैं। नहीं हूं मैं आपका पति। काश मैं सचमुच आपका पति होता, काश मैं सचमुच देव होता राधिका जी।